कौन सपना दिखती है साकार, जनता करती है हिना कवरेज। जनपद सदस्य प्रत्याशी भूरू पटेल को मिल रहा अच्छा जन समर्थन। लालबर्रा की राजधानी जाम में शनिवार की शाम 6:30 बजे बाजार प्रांगण में आयोजित जनसभा में लांजी किरणापुर के विधायक सुश्री हिना कावरे भी पहुंची और क्षेत्र की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विनीता विनोद सोनी के चुनाव चिन्ह उगता सूरज, जनपद सदस्य जाहिद खान के ब्लैकबोर्ड और सरपंच पद हेतु देवराज अठेरे के पक्ष में मतदान कर जनता की सेवा किए जाने का आशीर्वाद मांगा। आयोजित जनसभा के दौरान प्रमुख रूप से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी विधायक हिना कावरे, सौरभ लोधी, मधुसूदन शर्मा, रवि अग्रवाल और डूलेचंद नागपुरे, अशोक ललहारे। साप्ताहिक बाजार होने के कारण हजारों की संख्या में यहां मतदातागण शामिल रहे। मैंने देखा किस तरीके से हमारे जावेद भाई भाषण दे रहे थे, एलएसयू वाले हमारे युवा को यदि और समय देते तो मुझे लगता मेरा समय भी वो ले लेते। आज हमारे लोगों के अंदर बोलने की ताकत है, आज हमारे लोगों में अपनी बात रखने की क्षमता है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि कम से कम आप लोग जागरूक तो है। यदि आप जागरूक है तो कोई भी जनप्रतिनिधि उसको काम करना पड़ेगा। आप बालाघाट जिले का ट्रेंड उठाकर देख लो, वहां वहां वही वही व्यक्ति जीत कर आ रहे हैं जिसने काम को प्राथमिकता दी है। कहीं जाति नहीं चली, कहीं कोई भेद नहीं चला। बालाघाट नगर पालिका में वार्ड 33 के पार्षदों के लिए 13 जुलाई को मतदान होना है। जबलपुर एक्सप्रेस के किसके सर होगा वार्ड का ताज कार्यक्रम के तहत वार्ड में पहुंच वार्डवासी और प्रत्याशियों से मिलकर चर्चा कर वार्ड की समस्या और पार्षद द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली गई, जिसके चलते रविवार को नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 में पहुंची। उक्त वार्ड ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के 2 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वर्ष 2014 में इस वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी शफकत खान निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने से उनकी पत्नी सायमा खान कांग्रेस प्रत्याशी है। वहीं भाजपा के यमुना बांगड़े को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में अपना भाग आजमा रहे हैं। लगभग 15 वर्षों से मैं इस वार्ड का प्रतिनिधित्व किया और 5 वर्ष पूर्व ही मैंने वार्ड के समस्त कार्य पूर्ण करा चुका हूँ। वर्तमान में निर्माण संबंधी कोई भी कार्य वार्ड में मौजूद नहीं है। वार्ड में एक समस्या थी पानी की, तो नई नल जल योजना के तहत सारी क्षेत्र में पाइपलाइन का विस्तार हो गया। नगर पालिका प्रशासन अब उसको कब से प्रारंभ करता है ये उनके ऊपर है। अगर वो प्रारंभ हो जाती है तो ये समस्या का भी निदान हो जाएगा। जनता का समर्थन तो भरपूर, क्योंकि वो मेरा वार्ड नहीं मेरा परिवार है। आज 15-20 सालों से मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो लगभग सभी जितने रहवासी हैं उनसे मेरे एक पारिवारिक संबंध है। और जहाँ तक विकास की बात है, तो अगर कोई नया काम ऐसा दिखेगा तो संपूर्ण कराया जाएगा। विकास कार्य कराने में कोई बड़ी परेशानियाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी समस्या है कि वार्ड नंबर 9 की गलियाँ जो नालियाँ ये साफ नहीं होती है और बहुत गंदगी रहती है और रोड भी साफ नहीं होती है, कभी झाड़ू तो लगती नहीं है। देखिए आप ही देखिए इतना कचरा है हमारे। जो पार्षद थे उनने यहाँ पे काम कराए कि नहीं? अभी तो फिलहाल बहुत दिनों से नहीं हुई है और झाड़ू वाली तो हमको दिखती नहीं है। हमारे वार्ड में यानी साफ सफाई होना चाहिए और नालियों की यानी 4 दिन में हो या 8 दिन में हो सफाई होना चाहिए और रोड में झाड़ू लगना चाहिए। कुछ थोड़े बहुत काम है बोल रहे हैं, इसलिए हमारे वार्ड में तो काम है। वार्ड में क्या काम कराना चाहेंगे? क्या वार्ड वासियों को सुविधा मिलना चाहिए हर चीज का, उनका काम करने के मौका दें। अब जनता का जो मांग है, अपने जनता सेवा करने का मौका मिल रहा है और उनका जो मांग है वो मांग पूरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम और तृतीय चरण के लिए मतदान 8 जुलाई को संपन्न होना है। तृतीय चरण में बालाघाट, लालबर्रा, बिरसा विकासखंड के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंच सरपंच के लिए मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने जनसंपर्क और प्रचार तेज कर दिया है। बालाघाट विकासखंड के जनपद सदस्य
क्षेत्र क्रमांक 17 से कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल हक खान भूरू पटेल की क्षेत्र की मतदाता के घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। इस बार जनपद सदस्य का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने से वह जनपद अध्यक्ष के प्रबल दावेदार भी है। इस संबंध में भूरू पटेल ने चर्चा के दौरान बताया कि जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र के मतदाताओं का अच्छा जन समर्थन उनको मिल रहा है। मैं उसी क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 17, और जहाँ से पहले मैं जनपद सदस्य था। अगली बार भी मैंने चुनाव जो लड़ा था वो जनपद अध्यक्ष के माध्यम से लड़ा था कि मेरे को जनपद अध्यक्ष बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कुछ लोगों के कारण मैं वहाँ से थोड़ा पिछड़ गया और भाग्य के साथ मिली। इस बार फिर से वो सामान्य सीट आई है जनपद पंचायत में, और मेरा जो क्षेत्र है वहाँ भी सामान्य है, तो मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जनपद अध्यक्ष बन के अपने क्षेत्र का विकास करूँ। मुद्दा ये है कि बहुत सारे पंचायतों में जो हमारा जब से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल चालू हुआ है, बीच में जब से जनप्रतिनिधि आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी प्रयास किए विकास करने का, पर बहुत सारे ऐसे काम है जो मूलभूत सुविधा है हर पंचायत में वो आज भी यथावत है, तो वो चीज़ों को हमको पूरा करने के लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि 77 पंचायत का जो है वो कमान अगर मेरे हाथ में आती है तो मैं उस पूरे 77 पंचायत में काम करना चाहूँगा। जैसे कि अभी मैं मेरा ग्राम पंचायत पहली है, तो वहाँ पानी बिजली सड़क इन सब सारी चीज़ों की बहुत सारी समस्याएं थी, हमने लगभग वो चीज़ों को ख़त्म कर दी। बाकी पंचायतों में समस्या जो है वो आज भी यथावत। किन्नापुर विकासखंड के जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 4 से जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचित कांग्रेस प्रत्याशी डॉली कावरे ने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को देते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की हर समस्या का समाधान कर जनता की समस्या के अनुरूप ही किया जाएगा। चुनाव में जनता ने हमारे पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को देखते हुए इस बार अच्छा जन समर्थन दिया है और शानदार जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताकर जिला पंचायत सदस्य के रूप में सेवा का अवसर दिया था और उनको विश्वास है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए क्षेत्र में काम करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी वही रहेगी कि जनता की समस्या के अनुरूप काम करना। बहुत सारे वैसे मुद्दे हैं, जैसे हमने पिछले वर्ष भी हमने काम किया था पिछले टर्म में, इस बार भी अधूरे काम जो रह गए हैं उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ रोड की बहुत सारी समस्या आ रही है, बिजली की समस्या आ रही है, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम पहल करेंगे। अपनी जीत का श्रेय आप किसे देंगे? जनता जनार्दन, क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता को मैं देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे मतों से मुझे इस टाइम भी जनता ने जिताया है। निश्चित तौर पर पिछले टाइम जिस हिसाब से मुझे चुनाव जिताया था, इस समय भी जनता का किसी प्रकार सहयोग आशीर्वाद रहा। कटनी में जिला पंचायत सदस्य के लिए आरक्षित सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। क्षेत्र क्रमांक 15 से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जहां 24 वर्षीय छात्रा प्रियंका प्रत्येक जीती है। प्रियंका वारासिवनी कॉलेज से बीए कर रही है। इस क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा बड़ावी और भाजपा प्रत्याशी भुवेश्वरी उइके को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका परदे भारी मतों से चुनाव में बढ़त ली है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और नगर विकास के लिए नगरवासी मुझे अपेक्षा रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके समस्याओं का निदान जरूर होगा, इसलिए जनसंपर्क के दौरान मुझसे अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं साझा कर रहे हैं। हम लंबे समय से क्षेत्रवासियों और नगरवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं। उक्त बातें निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने जनसंपर्क दौरान कही। जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने अपने समर्थकों को चुनाव मैदान में उतारकर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए कठिन कर दिया है। प्रदीप जायसवाल अपने सभी 15 वार्डों के प्रत्याशियों के लिए समर्थकों की भारी भरकम फौज के साथ ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क दौरान प्रदीप जायसवाल और उनके समर्थक प्रत्याशियों को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। आज निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल ने सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ बरसते पानी के बीच वार्ड क्रमांक 4 पार्षद प्रत्याशी पवन ध्रुवी और वार्ड क्रमांक 6 से श्रीमती दीप लता देशमुख के अलावा वार्ड नंबर 5 में श्रीमती मधु सुनील जायसवाल के पक्ष में जनसंपर्क किया। नारियल का पेड़ अन्य सभी वार्डो में पांच और निशान आपके बीच प्रस्तुत है। आदरणीय गुप्ता भैया, इसी का अभियान से निवेदन। पिछले 10 सालों में ना जितने भी वारिस में शहर का बदलाव आया,
लोग स्वयं कहते हैं कि स्वर्गीय कसूरचंद वर्मा जी के बाद यदि काम हुआ है सबसे ज़्यादा तो वो श्रीमती स्मिता जायसवाल जी के नगर पालिका कार्यकाल में, और उसके बाद पिछले तीन सालों से परिषद जो है वो मेरे द्वारा संचालित की जा रही है, कुल मिला के विधायक के तौर पर और प्रशासक के तौर पर चलाई जा रही है। तो हमने इन तीन वर्षों में भी, जबकि कोई वहाँ पर कोई परिषद नहीं, उसके बावजूद हमने जो काम कराया कि शहर की पूरी पुरानी सड़कों का, जो स्वर्गीय वर्मा जी के टाइम सड़कें बनी थी 40 साल उखड़ गई थी, हमने हर गली गली में डामर रोड बनाया, इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया, बाकी तो सब पुरानी मालूम है, माना जो गार्डन का सौंदर्यकरण हुआ, शंकर तालाब का सौंदर्यकरण चल रहा है, वो शंकर तालाब जो 100 साल पुराना, लेकिन हमने 1 करोड़ रुपये अभी दिया, बाकी और जो राशि लगी और भी देंगे, तो वहाँ पर सौंदर्यकरण होगा, शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना होगी। हमारे यहाँ जो पानी की टंकी पिछले बार हमने बनाया 22.5 करोड़ की थी, लेकिन हमारे यहाँ वार्ड नंबर 11, 12, 13 जो टेल पड़ता है वहाँ पर पानी का प्रेशर वहाँ कम हो जाता है, इसलिए हमने 3.5 करोड़ रुपए अभी हमने स्वीकृत कराया ताकि वार्ड नंबर 11, 12, 13 की पानी की समस्या अभी हमेशा के लिए एंड हो जाए, तो 3.5 करोड़ की नई टंकी भी हमने स्वीकृत की है। तो इस तरह से हमारा एक नया विजन जो बड़े शहर में हुआ करता है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर में, उस तरह का विजन हम वाराणसी में लाने का प्रयास ये दिख रहा है।